आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम नाना फडणवीस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महादजी सिंधिया के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण नेता नाना फडणवीस था, जिसने कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा संघ की राजनीति का संचालन किया। उसका कार्यक्षेत्र अधिकांशतः दक्षिणी भारत तक सीमित रहा। 1773 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या के पश्चात मराठा राजनीति में विभिन्न मराठा नेता आए सामने, में नाना फडणवीस भी एक था। पेशवा माधवराव प्रथम के समय में नाना को फडणवीस के पद पर काम करने का अनुभव प्राप्त हो चुका था। फडणवीस का अर्थ है राज्य की आय तथा खर्च का हिसाब रखने वाला व्यक्ति। इस कार्य में नाना ने बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली थी। किसी भी कार्य को प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय कुशलता आवश्यक थी। इसलिए राघोबा के विरुद्ध माधवराव द्वितीय के नाम से जिस सरकार का गठन किया गया था, उसमें नाना फडणवीस को स्थान प्राप्त हुआ था। वित्तीय प्रबंध के लिए उत्तरदायी होने से उसका महत्व बढ़ता गया। प्रारंभ में नाना और अन्य नेताओं ने बारह भाई काउंसिल का गठन किया। इस काउंसिल के वास्तविक संचालक नाना फडणवीस, सखाराम बापू और मोरोबा फडणीस थे। नाना के लिए कहा जाता है कि उसे ठीक से घोड़े पर चढ़ना भी नहीं आता था, इसीलिए उसने प्रशासन का संचालन सैनिकों के हाथ में नहीं दिया। नाना की इस योग्यता और सैनिक कुशलता का परिणाम यह हुआ कि उसने अपने सब दस्तावेज एवं कार्यों को लिखित रूप में सही रखा। उसने अत्यंत छोटी छोटी बातों पर विस्तृत आदेश देना आवश्यक समझा तथा अपने समस्त अधिकारियों से उनके कर्तव्यों और अनुबंधों का अक्षरशः पालन करवाया। युद्ध स्थल में और राजनीति में समझौते की नीति और आवश्यकता को बहुत कम समझता था। इतना सब होते हुए भी नाना ने बारह भाई काउंसिल की पद्धति के अनुसार काम नहीं किया। एक एक करके अन्य सभी सदस्यों को पदच्युत कर दिया और पूरी राजसत्ता अपने हाथ में ले ली। संभव है कि बारह भाई काउंसिल के कुछ सदस्य अयोग्य हों, लेकिन नाना ने हटाए हुए सदस्यों के स्थान पर दूसरों को नियुक्त नहीं किया। उसने पूरी सत्ता का केंद्रीकरण अपने हाथ में कर लिया और ये मराठा साम्राज्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। नाना के कार्यों का मूल्यांकन हम कुछ बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, जिन्हें कि हम निम्न रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1774 से 1800 ईस्वी के मध्य मराठा केंद्रीय प्रशासन का संचालन और नीति निर्धारण नाना फडणवीस द्वारा ही किया गया था। इस समय में प्रमुख समस्याएं जो हुई थी वो इस प्रकार से थी, जिनका कि हम आगे वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राघोबा के प्रति क्या नीति अपनाई थी। 1774 में मराठा राज्य में ऐसे बहुत से नेता थे जो राघोबा के पक्ष में थे और एक नवजात शिशु की अपेक्षा राघोबा के नियंत्रण को अधिक उपयोगी समझते थे। लेकिन नाना इन सब व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। राघोबा की अपनी महत्वाकांक्षा और नाना फडणवीस की कट्टर नीति इस बात के लिए समान रूप से उत्तरदायी हुई कि राघोबा अंग्रेजों से गठबंधन करे और मराठा राज्य को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़े। अब हम देखते हैं टीपू से संघर्ष में नाना की क्या नीति रही। 1783 में नाना ने टीपू के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करने के लिए एक मराठा सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन 1784 के प्रारंभ में उसको यह जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज़ों ने बिना मराठों को बताए टीपू से संधि वार्ता प्रारंभ कर दी। टीपू नाना की सैनिक कार्यवाही को नहीं भूला था। टीपू ने 1785 में मराठों पर आक्रमण कर दिया। 1785-87 में मराठों और टीपू के मध्य संघर्ष चलता रहा। इस युद्ध के संचालन में नाना को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हैदर ने पहले मराठों के जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, नाना उन्हें भी प्राप्त करने में असफल रहा। इस अवसर पर नाना ने अंग्रेजों से
इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, सहायता मांगी, लेकिन कॉर्नवालिस ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद जब 1790 में महाजी सिंधिया के इनकार के बावजूद नाना ने 10,000 सैनिकों से टीपू के विरुद्ध अंग्रेजी आक्रमण में सहायता का वादा किया। मराठों की सैनिक सहायता अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई। नाना का अंग्रेज़ों को सहायता देने का अभिप्राय यह था कि उसे अंग्रेज़ प्रशिक्षित सेना की सहायता मिल सकेगी, जिससे कि बाद में किसी मराठा नेता को दबा सकेगा। इस युद्ध में टीपू को हरा दिया गया। मराठों को कुछ क्षेत्र भी उपलब्ध हुए, किंतु इसका दूरगामी प्रभाव मराठों के लिए हानिकारक हुआ, क्योंकि अब दक्षिण में शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था और मराठों को भविष्य में अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति का अकेले ही सामना करना पड़ा। इस तरह से टीपू के विरुद्ध जो नाना की नीति थी वह मराठा संघ के लिए घातक सिद्ध हुई। अब मराठा संघ की सुरक्षा में नाना की क्या नीति थी? मराठा संघ की सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि सभी प्रमुख मराठा सरदार आपस में मिलकर कार्य करें, विशेषकर नाना और महाजी सिंधिया। इसके विपरीत जब महाजी सिंधिया 1792 में पूना पहुंचा तो नाना ने अपने संदेहशील स्वभाव के फलस्वरूप अंग्रेजों से सैनिक सहायता मांगी, क्योंकि उसे महाजी से भय था। हालांकि कॉर्नवालिस ने उसे सहायता देने से इनकार कर दिया। 1792 से 94 के मध्य महाजी पूना में रहा, लेकिन नाना ने ऐसी किसी कार्य योजना पर आरंभ नहीं किया जो कि मराठा संघ के समक्ष उत्पन्न संकटों का उपचार करे। ना ही नाना ने महाजी से अंग्रेजी आक्रामक उद्देश्यों की चर्चा की, बल्कि नाना ने अपनी नीति के फलस्वरूप 1774 ईस्वी के पश्चात मराठा राज्य को युद्ध में धकेल दिया। उसने राघोबा के साथ कोई समझौता ही नहीं करना चाहा। नाना का राघोबा के प्रति विरोध इस सीमा तक बढ़ा हुआ था कि पेशवा माधवराव द्वितीय की 1795 में निसंतान मृत्यु के पश्चात नाना राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ और मराठा संघ को युद्ध में उलझ जाना पड़ा। नाना द्वारा राघोबा और उसके वंशजों के विरोध का परिणाम कारण यह था कि 1762-63 में राघोबा ने नाना को उसके पद से हटवा दिया था। नाना का स्वभाव प्रतिशोधात्मक था और अपने विरोधियों को कभी क्षमा नहीं करता था। समस्त सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लेने की नाना की अभिलाषा का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न मराठा नेता अपने क्षेत्रों में प्रभाव दृढ़ करने की सोचने लगे। इस नीति का स्पष्ट प्रभाव मराठा संघ की एकता को समाप्त करने के रूप में हुआ। अब है पेशवा माधवराव द्वितीय और नाना फडणवीस। 1774 के पश्चात पेशवा की देखभाल और उसका पालन पोषण नाना की देखरेख में हुआ। नाना ने पेशवा को उस जीवन का कोई अनुभव नहीं होने दिया जिसकी कि उसके भावी जीवन में आवश्यकता हो सकती थी। नाना ने पेशवा को महाजी सिंधिया के अभियानों में नहीं जाने दिया, निज़ाम टीपू किसी राजपूत शासक ने नहीं मिलने दिया और कोई ऐसा अवसर उपलब्ध नहीं होने दिया जिससे पेशवा अपना दृष्टिकोण विकसित कर सके अथवा उस उत्तरदायित्व को निभाने के योग्य बन सके जिसकी उससे आशा की जाती थी। यह अवसर पेशवा को पहली बार तब मिला 1793-94 में, जब महाजी सिंधिया से उसका व्यक्तिगत परिचय हुआ। नाना ने उसकी समस्त दिनचर्या पूजा पाठ दान दक्षिणा कुछ पालतू जानवरों में रुचि लेने तक सीमित कर दिया था। पेशवा को हिरण मारने का शौक पैदा कराया गया। ऐसी स्थिति में यह आशा कैसे की जा सकती थी कि पेशवा मराठा संघ का सफल सैनिक संचालन कर सकेगा? जब 1750 में मराठों ने निज़ाम को खरदा की लड़ाई में हराया, उस समय पेशवा माधवराव युद्ध स्थल पर उपस्थित था। उसी समय उसमें और राघोबा के पुत्र बाजीराव में कुछ पत्र व्यवहार प्रारंभ हुआ। जब नाना को अपने गुप्तचरों द्वारा यह सूचना मिली तो नाना ने पेशवा को अपमानित किया। कहते हैं कि इस अपमान से पेशवा नहीं उबर सका
और 2 महीने पश्चात उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह कहना कठिन है कि घटना आकस्मिक थी अथवा नहीं। अब है नाना की अंग्रेज़ों के प्रति नीति। वास्तविक नाना जो है अंग्रेज़ों से उत्पन्न खतरे के भाव को समझ ही नहीं पाया था। नाना अंग्रेज़ों से मैत्री चाहता था और अंग्रेजी मैत्री के माध्यम से वह मराठा संघ में अपने प्रभाव को स्थापित कर लेना चाहता था। वह महाजी को भी उत्तरी भारत छोड़ करके दक्षिणी भारत आने को कहता था। इतना ही नहीं, नाना ने 1790 में टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों का समर्थन किया और जब 1798 में दूसरी बार फडणवीस पद पर नाना की नियुक्ति की गई तब वह चाहता था कि अंग्रेज़ और निज़ाम उसके पद की सुरक्षा की गारंटी करें। इसके पूर्व 1796 ईस्वी में भी वह अंग्रेज़ी सहायता से अपनी सत्ता सुरक्षित करना चाहता था। 1782 ईस्वी के पश्चात नाना ने अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि पूना में नियुक्त करवाया और महाजी को अंग्रेज़ों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया। वास्तव में महाजी की योग्यता और शक्ति ही नाना की उससे प्रतिस्पर्धा का कारण थी। नाना ने 1782 से 1800 के मध्य इस बात का प्रयास किया कि अंग्रेजी सहयोग प्राप्त कर सके और इस बात की पुष्टि हमें वेलेजली द्वारा संचालक समिति को लिखे गए पत्रों से भी होती है। तो इस तरह से नाना का अंग्रेज़ों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं था। नाना और पेशवा के उत्तराधिकार का प्रश्न। 1795 के पश्चात मराठा राज्य में पुनः अव्यवस्था फैल गई। पेशवा माधवराव द्वितीय की निसंतान मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का प्रश्न फिर उठ खड़ा हुआ। नाना राघोबा के किसी पुत्र को पेशवा नहीं बनाना चाहता था। उसने पहले बाजीराव द्वितीय का विरोध किया और फिर वह उसके छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को माधवराव की विधवा द्वारा गोद लिए जाने के पक्ष में था, किंतु थोड़े दिनों बाद उसने बाजीराव का समर्थन कर दिया क्योंकि बाजीराव ने उसे यह आश्वासन दे दिया था कि वह नाना को अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। इस बीच सिंधिया और अन्य नेताओं ने चिमनाजी अप्पा को पेशवा घोषित कर दिया। नाना ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया क्योंकि इससे सिंधिया का प्रभाव बढ़ गया था। इस अवसर पर समर्थन प्राप्त करने के लिए नाना ने उचित अनुचित सभी प्रकार के प्रयास किए। उसने निज़ाम पर 1795 की पराजय के बाद लगाया हुआ युद्ध का हर्जाना माफ़ कर दिया। उसने षड्यंत्र का इतना गहरा जाल बुना कि समस्त राज्य में उथल पुथल मच गई। उसने हर प्रकार से झूठे सच्चे वादे करके टीपू, निज़ाम आदि नेताओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। नाना ने मराठा राज्य में अव्यवस्था फैलाने के लिए निज़ाम के महाषड्यंत्री मंत्री मुशीरुल मुल्क को जेल से छोड़ दिया। इतना ही नहीं, नाना ने शजीराव घटगे जैसी दुरात्मा को सिंधिया का मुख्य सलाहकार बनवाया। वह अत्यंत निर्दयी और स्वार्थी पुरुष था। नाना ने पुनः बाजीराव से समझौता करके उसे पेशवा बनवा दिया। नाना और बाजीराव ने एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहने का लिखित आश्वासन दिया जो शीघ्र ही एक ढोंग सिद्ध हुआ। यह घटना 26 नवंबर 1796 की है। नाना अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कितना प्रयत्नशील था यह इससे प्रमाणित होता है कि उसने बाजीराव से अपने भावी गोद लिए जाने वाले पुत्र के लिए फडणवीस की पदवी और अधिकार मांगे थे, जबकि अभी उसने किसी व्यक्ति को गोद भी नहीं लिया था। इसका कारण था नाना की संपत्ति जो कि कम से कम 9 करोड़ रुपये थी और इसी संपत्ति को बाजीराव हथियाना चाहता था। 1797 ईस्वी के अंत में नाना को बंदी भी बनाया गया लेकिन जुलाई 1798 में उसे छोड़ दिया गया। उसे पुनः मंत्री पद दिया गया लेकिन वह बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रह पाया। 13 मार्च 1800 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अब हम समग्र रूप से नाना के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। नाना फडणवीस को सैनिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। 18वीं शताब्दी में जबकि मराठों को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों से निरंतर संघर्ष में लगे रहना पड़ता था,
तब मराठा राज्य की सुरक्षा एवं संचालन के लिए सैनिक दक्षता आवश्यक थी। नाना ने किसी सैनिक अधिकारी अथवा सेना संचालक को अपने साथ नहीं रखा, वह एक एक करके सबको समाप्त करता गया। प्रत्येक सैन्य संचालक को संदेह की दृष्टि से देखता और उसे पद से हटाने का प्रयास करता रहा। इससे मराठा राज्य में कलह और दलबंदी बढ़ती गई। इस तरह से नाना फडणवीस का मराठा राज्य के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। 1773-74 और 1795-97 के उत्तराधिकार संकट के जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो नाना का जो योगदान है वो उभर कर सामने आता है। 1773-74 में आपसी मतभेद होने के बावजूद बाराभाई काउंसिल का गठन किया जा सका था, जबकि 1795-97 के मध्य इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी। साथ ही उस समय 12 ऐसे नेता भी ढूंढ पाना मुश्किल था जो योग्यता अथवा कौशल में पहले जैसे नेताओं के निकट हों। परस्पर सहयोग की भावना 20 वर्षों के संदेहशील वातावरण में समाप्त हो गई थी।